हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्थिर विद्युत बल को एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा देखेंगे। ये स्थिर विद्युत बल कैसे उत्पन्न होती है, उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि कोई भी पदार्थ क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है। इसका कारण क्या है कि पदार्थ अणुओं से बना होता है और अणु परमाणुओं से बना होता है। अब प्रत्येक परमाणु के अंदर में तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। उसके केंद्र में धन आवेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है और साथ में ये उदासीन न्यूट्रॉन पाया जाता है। और केंद्र के बाहर अर्थात परमाणु के चारों ओर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धन आवेशित कण प्रोटॉन और ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है और समान होने के कारण उस परमाणु की प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है, अर्थात वो किसी प्रकार का उसमें आवेश नहीं होती है, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होती है। लेकिन जब हम कोई दो वस्तु को आपस में संपर्क में लाते हैं या दोनों को में घर्षण करते हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कुछ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देता है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, प्रोटॉन की संख्या तो जितनी की उतनी रहती है, इस कारण वो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो ऋण आवेशित हो जाता है। और ये देखा गया है कि जब दो विपरीत आवेश आपस में हम लोग लाते हैं तो दोनों आवेश के बीच में क्या होती है, आकर्षण होता है। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को जब सामने लाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। वहीं अगर दोनों समान आवेश को अगर हम लोग एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। इसे हम लोग एक छोटा सा गतिविधि द्वारा देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रबर लेते हैं, एक रिफिल लेते हैं, ये खाली रिफिल भी हो सकता है और ऐसे भी चल सकता है। एक पेपर पिन चाहिए और एक ये जूस पीने वाला स्ट्रॉ हम लोग ले सकते हैं, ये मोटी या पतली दोनों चल सकती हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रबर के ऊपर में रिफिल को इस तरह से गाड़ देंगे, ये एक स्टैंड के तौर पर काम आएगा। अब ये जो स्ट्रॉ है इसे हम लोग दो हिस्सा में बांट लेते हैं, एक हिस्सा थोड़ा लंबा रखते हैं, एक हिस्सा थोड़ा छोटा। अब इस स्ट्रॉ के बीचों बीच, लंबे वाले स्ट्रॉ के बीचों बीच एक पेपर पिन को हम लोग इस तरह से डालेंगे, ठीक बीचों बीच हम लोग करेंगे। और इसे हम लोग एक ऊनी कपड़ा का, जैसे ये ग्लव्स है, कोई भी ऊनी कपड़ा का स्वेटर वगैरह से हम लोग इसे इस तरह से रगड़ेंगे। इसे हम लोग इस तरह से बार बार रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आवेशित हो जाता है और उन इलेक्ट्रॉनों को ये प्लास्टिक का स्ट्रो ग्रहण करके ये ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ ऋण आवेशित हो गया है। इसे हम अब रिफिल के ऊपर में इस तरह से रखेंगे और दूसरा जो टुकड़ा है स्ट्रॉ का उसे भी हम इस तरह से ऊनी कपड़ा से अच्छी तरह से रगड़ेंगे, ये भी ऋण आवेशित हो जाता है। अब ये दोनों ऋण आवेशित होने के कारण आप देख सकते हैं, जब हम इसे दूसरे स्ट्रॉ के सामने हम इस तरह से लाते हैं तो ये किस तरह से उसे विकर्षण कर रहा है, विकर्षित कर रहा है, अर्थात समान आवेश विकर्षित करता है, विकर्षण करता है। ये हम लोग एक छोटे से गतिविधि के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। वहीं जब हम विपरीत आवेश को सामने लाएंगे तो आकर्षण होगा। विपरीत आवेश का मतलब है, चूंकि हम इसी ऊन से हम इसे रगड़े थे तो ऊन या ऊनी कपड़ा में धन आवेशित हो गया और ये स्ट्रॉ जो है ऋण आवेशित हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जब हम इस स्ट्रॉ के सामने इस ऊनी कपड़ा को लाते हैं तो देखिए किस तरह ये आकर्षित हो रहा है।
आप देख सकते हैं ये ऊनी कपड़ा धन आवेशित हो गया था जिसके कारण ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो हम इस छोटी सी गतिविधि के द्वारा ये कह सकते हैं कि जब दो विपरीत आवेश को हम सामने लाते हैं तो आकर्षण होता है, और जब दो समान आवेश को हम लोग सामने लाते हैं तो उसमें विकर्षण होता है। इसे आप लोग घर में कोशिश कीजिएगा बनाने का, खास करके जब सूखी मौसम रहेंगे, ठंडे के मौसम में आप इसे अच्छी तरह से जो है कर सकेंगे। अभी थोड़ा आर्द्रता है, आर्द्रता के कारण जो है ये बहुत अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप घर के अंदर में इसको जो है जब जहाँ एकदम सूखी जगह हो वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसे आप लोग कोशिश कीजिएगा।